पत्थरों से मुतालिक इल्म की मुकम्मल सीरीज का पहला पत्थर है हकीक। इंशाअल्लाह दुरूद पाक के सदके ये पत्थर आपके नसीब के पत्थरों को हटा देगा। मैं डॉक्टर फहद आरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर .com। इस दुनिया में जितने भी रंग नस्ल के इंसान हैं, उनकी जिल्द के जितने भी रंग हैं, सब के सब अकीक के अंदर आपको मिलते हैं। इस पत्थर को पहनना सुन्नत भी है, क्या पता अल्लाह ताला ने सुन्नत के सदके इंसान को ये खुसूसियत बख्शी। अकीक पत्थर से मुतालिक जो कुछ भी मुझे जहाँ कहीं से मिला आप तक पहुँचाऊँगा, तो फिर आइए सीखते हैं। इस पत्थर को उर्दू में, फारसी में और अरबी में अकीक ही कहते हैं। आमतौर पर जोगी, बाबा, संत, फकीर, अल्लाह वाले इस पत्थर को, इस आम पत्थर को पहनते हैं, इसलिए कि इसे पहनने के बाद उन्हें यह अंदाज़ा होता है कि उरूज है तो दरअसल सादगी में ही है। दूर से दिखने वाला ये आम पत्थर आपकी शख्सियत को जाज़िबे नज़र बनाता है। अकीक पत्थर पहनना सुन्नत है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। इस बारे में कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पत्थरों में एक पत्थर है अकीक भी, जो खूबसूरत भी है और हसीन भी। इसे पहनता है हर खास व आम, रफीक भी, अतीक भी, मुबशिर भी, सिद्दीक भी। पहनना इसको सुन्नत है, नाफे है, शाफी है और शफीक भी। वैसे तो ये पाकिस्तान, अरब और हैदराबाद, दक्कन में भी पाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यमन से आती है, जो कि अकीक यमनी कहलाता है। किन ममालिक में पाया जाता है अकीक, ये भी मैंने आपको बताया। इसकी मशहूर जो इकसाम है वो मैं आपको बताता हूँ। एक यमनी मैंने आपको अकीक बताया, उसके बाद आता है सुलेमानी अकीक, उसके बाद आता है डोरीदार अकीक। एक अकीक होता है चश्मी अकीक और एक होता है शजरी अकीक। मशरिकी अकीक, मगरबी अकीक और एक होता है सुर्ख अकीक, जिसे हम जिगरी अकीक कहते हैं। अकीक पत्थर की जो इकसाम मैंने आपको बताई, घर बैठे बैठे हासिल करने के लिए, चाहें तो अपने लिए मुवाफिक पत्थर मालूम करने के लिए, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। हमारे मोमिन आपकी मोहम्मद के लिए मौजूद हैं। हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन स्टोर है पूरा ही, जमे हर तरह के पत्थर आपके लिए अवेलेबल है। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। कोई भी पत्थर असल है या नकल, इसको चेक करने का मुकम्मल तरीके मैंने पहले भी कई बार 7 से 8 तरीके बताए हैं। अकीक पत्थर को चेक करने का एक खास तरीका आपको बता रहा हूँ। अकीक पत्थर के रंग उड़ जाते हैं उस वक्त जब इसे आप आग के ऊपर रखते हैं। अकीक पत्थर को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, अब इसके बाद मैं इसके फायदे आपको बताऊंगा, उसके बाद अकीक पत्थर के खास वज़ाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। कमेंट में जाके पूछ लेना अगर कोई और भी परेशानी हो। हाँ, कमेंट में जाकर लिखना मत भूलना, अपना नाम दुआ में शामिल जरूर करवाना। अकीक पत्थर पहनने वाले का गुस्सा और परेशानियां दूर होती चली जाती है, रिस्क के रास्ते खुलते हैं और खुद एतमादी आती है। इसीलिए लोग इसे दुआ करते वक्त और दिली सुकून के लिए पहनते हैं। ये चिड़चिड़ापन खत्म करता है, औरत वो जो हामला हो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए बहुत मुफीद है। इसको पहनने से रोजगार में इजाफा होता है और तंग दस्ती दूर होती है। ये कल्प को और जहन को कुशादा करता है और जादू टोने के बद असर को दूर कर देता है। दुनिया की कदीम तरीन पत्थरों में से जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, अकीक का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। कराची के नेशनल म्यूजियम में हड़प्पा की सिविलाइजेशन का 6,500 साल पुराना हार अभी भी मौजूद है आसार कदीमा में। अब ये नोट कर लीजिए कि अकीक पत्थर कब पहनना चाहिए। अकीक पत्थर जुम्मे के दिन पहनना ज़्यादा फायदा देता है। सूरह रहमान पढ़ने के बाद पहनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। या अल्लाह या रहमानो की एक तस्बीह पढ़कर अगर ये हाथ पे पहने और अगर पढ़कर दुआ करें तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। असल और नकल के जंजाल से अगर बचना चाहते हैं, ओरिजिनल पत्थर का चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए या विजिट कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर के लिए roshnicenter.com। पत्थरों के इल्म से मुतालिक मुकम्मल सीरीज का ये वीडियो एक छोटा सा हिस्सा है। अगला पत्थर देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें एक दूसरे तक हमें पहुंचाने वाला बनाया। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।